जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा की परीक्षा के पेपर टू के लिए आपको टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, विशेषकर हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए क्योंकि उसमें 7.5 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए दिया जाएगा और उसमें भी आपका क्वालिफाई करना जरूरी है। आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा कि आप सेटिंग कैसे करेंगे और सेटिंग करने के बाद घर में बैठे ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है आपको आपके कंप्यूटर के प्रकार की जानने की। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकांश लोगों के पास विंडोज 7 है या फिर विंडोज 8 है, जिन लोगों ने अपग्रेड कर लिया था उनके पास विंडोज 10 है। दोनों की सेटिंग में एक मामूली सा परिवर्तन है, कृपया ध्यान से सुने। यहां मैं, चूंकि मेरा कंप्यूटर विंडोज 10 है, इसलिए मैं आपको विंडोज 7 और 8 की सेटिंग दिखा नहीं पाऊंगा, आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। आप अपने कंप्यूटर में जहां सर्च बार रहता है नीचे की तरफ, वहां जाकर के कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे। कंट्रोल पैनल टाइप करते ही जो अगला स्क्रीन आएगा उस स्क्रीन में फिर सर्च बार रहता है, ऊपर रहता है, उसमें आप लैंग्वेज टाइप करेंगे। लैंग्वेज टाइप करके जैसे ही इंटर करेंगे एक फिगर ग्लोब जैसा दिखेगा, उसमें लैंग्वेज और रीजन रहता है, लैंग्वेज रीजन और कीबोर्ड, आप उसमें क्लिक करेंगे। उसमें जाने के बाद फिर ऐड कीबोर्ड या कीबोर्ड चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, आप चेंज कीबोर्ड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप वहां देखेंगे ऐड लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप देखेंगे अल्फाबेटिकली ए से लेकर के जेड तक जितनी भी भाषाएं हैं उनका क्रम दिया रहता है। उसमें आपको हिंदी लेना है तो एच से जाएंगे या हिंदी पे आएंगे, वहां एक प्लस का निशान बना होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और इनस्क्रिप्ट या फिर देवनागरी दोनों में से कोई की चुन लेंगे। चुनने के बाद फिर उसको अप्लाई ओके करेंगे और उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब इसी तरह से जिनके पास विंडोज 10 है, विंडोज 10 की सेटिंग में देखिए, अपना कंप्यूटर यहाँ साझा कर रहा हूं और मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि आप कैसे सेटिंग करेंगे। ये देखिए मैं अपना पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इस स्क्रीन शेयरिंग में आपको वह विकल्प मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आप सबसे नीचे मेरे कंप्यूटर के इस पैनल में देखिए, यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ ENG लिखा हुआ है, ये देखिए आ रहा है, ये लैंग्वेज है टू स्विच इनपुट मेथड, ये लिखा हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे जब आप, तो ये नीचे देखिए यहाँ दिख रहा है लैंग्वेज प्रेफरेंस, ये लिखा हुआ है, ये देखिए हमारा माउस घूम रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। लैंग्वेज प्रेफरेंस जब क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखिए ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस का आया है, यहाँ आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। ये देखिए ये आ गया विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज, आपको डिस्प्ले लैंग्वेज नहीं बदलना है, इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहने देना है। आप जाएंगे ऐड ए लैंग्वेज वाले ऑप्शन में, यहाँ आप टाइप करेंगे हिंदी, HINDI, सर्च करेंगे, ये देखिए हिंदी आ गया। अब आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, चूंकि मेरे कंप्यूटर में हिंदी इंस्टॉल है, हिंदी पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखिए बेस में नेक्स्ट लिखा रहता है, आप उसको क्लिक करेंगे। मैं कोई दूसरी भाषा इसमें डाल के दिखाता हूं आपको, मान लीजिए मैं यहाँ बंगाली लिखता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने बंगाली लिखा यहाँ बांग्ला भारत लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करते ही नीचे नेक्स्ट आएगा, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद घूम फिर के ये नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपकी वो भाषा इंस्टॉल होने लगेगी। अब इंस्टॉल होने लगेगी तो यहाँ जैसे ये देखिए हिंदी इंस्टॉल हो गई है, यहाँ हिंदी दिख रही है। अब आप इस हिंदी पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, इस हिंदी पे कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन और रिमूव लिखा हुआ है, ये ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए बाई और देखिए प्लस का निशान है, यहाँ ऐड ए कीबोर्ड है, ऐड ए कीबोर्ड में आप जाएंगे, यहाँ देखिए हिंदी ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट चुना हुआ है, हिंदी इंस्क्रिप्ट देवनागरी दोनों चुना हुआ है और हिंदी फोनेटिक भी है, जैसे आप राम लिखना है RAM लिखते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। आपको इंस्क्रिप्ट में ही टाइप सीखना है, इसलिए देवनागरी इंस्क्रिप्ट या हिंदी ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट इनमें से कोई एक चुनेंगे और चुनने के बाद आप इससे बाहर आ जाएंगे, इसको बंद कर देंगे
इसमें आपका लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएगा, इनबिल्ट होता है, लेकिन पहली बार आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ये डाउनलोड होने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। देखिए मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल रखा है। आपको इसमें करना क्या है, यहां देखिए नीचे बेस में इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश से आप जाएंगे हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड में। अब यहां आपको एक छोटा सा काम करना है, यहां लैंग्वेज बदलने से पहले, क्योंकि इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का एक विकल्प आता है, यहां नीचे देखिए टैप हियर टू सर्च लिखा हुआ है, यहां आप टाइप करेंगे OSK। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखिए दिख रहा है ऐप, यहां जाके इसको ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिख रहा है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप देखिए कीबोर्ड दिख रहा है। अमूमन आप लोग कीबोर्ड से वाकिफ होंगे, इसमें चार लाइनें होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 4 0 तक है, कुछ निशान होते हैं, उसके बाद QWERTY। आपको पता है ये जो QWERTY है, इसी के नाम पर इस कीबोर्ड को कुछ लोग क्वेटी कीबोर्ड कहते हैं, और ये कीबोर्ड मोबाइल में होता है, हम उसकी पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए ऊपर से तीसरी लाइन एक है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद ए है। अक्सर जो लोग टाइप सीखते हैं इस लाइन से अभ्यास शुरू करते हैं। अब आप इसमें आप अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की छोटी उंगली कानी उंगली ए, फिर उसके बाद एस, फिर डी, फिर एफ, उसके बाद जी आता है, एच आता है। अगर आप कीबोर्ड में चलेंगे तो कीबोर्ड में देखेंगे ये जो एफ है, एफ के नीचे एक उभरा हुआ सा निशान रहता है, और इसी तरह से यहाँ एच जे के नीचे निशान रहता है, अर्थात ए एस डी एफ लेफ्ट से, और सेमी कॉलन एल के जे एच। अब देखिए मैं यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाकर के इसका कीबोर्ड बदल देता हूँ, लेआउट, ये मैं लेआउट हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड कर लेता हूँ। अब ये देखिए हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड मेरे सामने आ गया, हैंग कर गया। अब जहां ए था वहां ओ की मात्रा हो गई, जहां एस था वहां ए की मात्रा, जहां डी था वहां हलंत, और जहां एफ था वहां छोटी की मात्रा, जी के पास यू और एच के पास ओ। इसी तरह से अगर हम इस तरफ से देखें तो ट आता है सेमी कॉलन के पास, ट, उसके बाद च आता है, उसके बाद त, क, र, प। आपको शुरुआत में इन कीबोर्ड्स का अभ्यास करना है, तो आप एक दो दिन के लिए इसको देखने के लिए सामने रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा लेसन दिखाता हूं जिसमें आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। देखिए ये यहाँ मैंने एक लेसन डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये भारत सरकार के राजभाषा विभाग में ये आपको मिल जाएगा, राजभाषा की वेबसाइट में। अगर आप कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से अपना अगर आप फोन नंबर साझा करते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे संदेश देते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल होम की, नीचे से दूसरी पंक्ति जो ए एस डी एफ वाला है उसमें देखिए इसमें तीर से बताया हुआ है, बायां हाथ पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी दो जगह जाएगी, इसी तरह से इस तरफ से, तो बायां हाथ दायां हाथ, इस तरह से पहले दिन आप अभ्यास करेंगे ट च त क र, ये दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से मात्राएं। इसके बाद जब पहला दिन आ जाएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है च त क र प, ट च त क र प, इस तरह से ये लेसन है। अगर इस लेसन से आप अभ्यास करते हैं तो मुझे विश्वास है कि 7 दिन में आप टाइप करना सीख जाएंगे। इसके बाद मैं इसका लिंक अपने ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, gali-kucha.blogspot.com, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, खाली टाइपिंग सर्च करिएगा उसमें मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है एक पेज इसका कर लीजिए, फिर टॉटच जो भी है, इस तरह से आप जब अभ्यास करना शुरू करते हैं, ये कुल 14 पेज का है, अगर आपको लगे तो आप इसका प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ये भारत सरकार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग ने बनाया है और बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद फिर अभ्यास 2 में आएंगे, इसमें अलग अलग दिया है, देखिए बाएं हाथ दाएं हाथ, ये पूरी अभ्यास माला अगर आप कर लेते हैं, जितना आप श्रम करेंगे, वैसे मैंने देखा है कि अगर आपके दिमाग में बस जाएगा तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको इसमें और दिखा दूंगा, ये लेसन तो आपको दे दूंगा। अब यहाँ ध्यान दें, जहां क है वहीं ख है, जैसे शिफ्ट दबाना है तो क के स्थान पे ख आ जाता है, जहां त है वहां थ आ जाता है, जहां च है वहां छ आता है। इसमें ध्यान दें कि बाएं हाथ की तरफ आपकी सारी मात्राएं हैं, वर्तनी जिसे कहते हैं,
और दाहिने हाथ की तरफ अक्षर है। अक्षरों की एक विशेषता है, जहां क है वहां ख है, ठीक उसके ऊपर ग और घ है, एक दिन में याद हो जाएगा। उसके नीचे स और श है, ठीक है। त है, क के बगल में त है, त थ एक जगह है, द ध एक जगह है। इसी तरह से आपको अगर ये की याद हो जाएगा तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे टाइप करना है, हालांकि मैंने भी इसमें अभ्यास नहीं किया है लेकिन करना चाहिए। देखिए, अब मुझे लिखना है क, मैं के प्रेस किया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसमें होता है कि आपके समय की बचत होती है, फोनेटिक में आपको ज्यादा की दबाना पड़ता है। क हो गया, अब जैसे मैं ए दबाऊं तो ओ की मात्रा हो गई, फिर क लिखूं, फिर ए दबाऊं तो ओ की मात्रा अर्थात कोको। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें और अभ्यास करने के बाद खुद जांच करते रहें। जब आप इस अभ्यास माला के अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे तब उसमें आपको बड़े बड़े पैसेज, ये देखिए यहाँ नंदन वन, यहाँ ऐसे ढंग से इसको सजाया गया कि एक पैराग्राफ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अभ्यास 5 इस तरह से पूरे इसमें 7 या 8 अभ्यास है, आप उसका अभ्यास करके और आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि विंडोज 7 विंडोज 8 में खाली सेटिंग बदलना है। अच्छा, अब जिनके पास मान लेते हैं कि आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, हो ही सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का कंप्यूटर नहीं है, उन्हें फिर साइबर कैफे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि ठीक है मैं साइबर कैफे जाता हूँ। आप साइबर कैफे जाएंगे तो साइबर कैफे वाले कई बार नानुकुर करेंगे कि नहीं जी मेरे यहाँ नहीं होगा, वो तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको बोलना है कि साहब मैं सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करूंगा, आपके कंप्यूटर में है, आप खुद सेटिंग कर लो। और उनको बताइए कि आज मैं आ रहा हूँ, कल 3-4 लोग और आएंगे, और इससे तो आपके ग्राहक ही बढ़ेंगे। क्योंकि साइबर कैफे में आजकल तो अधिकांश लोगों के पास मोबाइल है, साइबर कैफे बहुत कम लोग जाते हैं, इससे उनके ग्राहक भी बढ़ेंगे। तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो अपनी सेटिंग अगर ठीक कर लें तो आराम से ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं होगा। अब अगर आपको टाइपिंग का अभ्यास करना है तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं आपको कि कंप्यूटर पर कैसे टाइपिंग का अभ्यास करेंगे। क्योंकि वहां टाइप करना पड़ेगा तो पहले से अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए देखिए, मैं जैसे अक्सर किया करता हूं वही आपको ही बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पेज निकाला, इसको यहां से करके थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, साइज छोटा करके ये साइड में ले लेते हैं। अब इसी तरह से मैं कोई, देखिए मेरे पास कुछ टाइप किया हुआ मटेरियल अगर है तो मैं उसको निकाल लेता हूं। मान लेते हैं मैं एक ब्राउजर को खोल लेता हूं, एक ब्राउजर खोलता हूं मैं, और वहां से मैं डायरेक्ट आपको कंटेंट लेकर के या मटेरियल लेकर के टाइप करना दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी अखबार अंग्रेजी ले लेते हैं, द हिंदू ले लेते हैं, या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं। ये मैंने द हिंदू ई पेपर खोला। चूंकि मैं ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूं, कोई प्रोफेशनल यूज नहीं है, ये कॉपीराइट के फेयर यूज में आता है और मैं वहां से कोई कंटेंट चुरा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं उससे बड़ी खुद को समझता हूं। बाकी हिंदू वाले अगर देख रहे होंगे तो मैं उनसे भी क्षमा मांग लूंगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं ये, जिससे आप सीख पाए। अब देखिए मैंने ये 2 स्क्रीन हैंग कर दिया क्योंकि वहां ऊपर नीचे शायद आपको मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए बाईं ओर लिखा हुआ है कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल डिजिटल एक्सेस टू डेली एडिटोरियल ऑफ द हिंदू। आप, मैं यहां से आप चाहें तो यहां कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और अगर इससे नहीं करना है तो जैसे आपको सुलभ लगे यहां स्क्रीन हैंग करिए और यहां से आप फिर अनुवाद करना शुरू करिए। अब चूंकि आप उसमें जब अभ्यास करेंगे, मेरा अभ्यास नहीं है इसलिए मुझे मजबूरन फोनेटिक में जाना पड़ रहा है, तो कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल डिजिटल एक्सेस टू डेली एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, तो आप इसका अनुवाद करिए। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। तो अनुवाद के जो अलग अलग सत्र होंगे उसमें मैं आपको आमंत्रित करता रहता हूं, किसी सत्र में आमंत्रित करके आपको पुनः दिखाऊंगा। तो यहां
द हिंदू क्या है के डेली एडिटोरियल, दैनिक एडिटोरियल को क्या कहते हैं, एडिटर को क्या कहते हैं, संपादक, एडिटोरियल संपादकीय, संपादकीय। अब इसके बाद वाले दो शब्द आप बताएंगे, अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट डिजिटल एक्सेस। इस तरह से देखिए मैंने करके दिखाया, आप वहां से कॉपी कर लें या उसको वहीं रहने दें और यहां से इस तरह से आप इसका अनुवाद करते रहें, घड़ी देखें कि आप समय में इसका अभ्यास कर पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है आज जो मैंने आपको जानकारी दी उस जानकारी से टाइपिंग में होने वाली समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा, क्या कहते हैं। तो आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में इस पेपर टू की भी तैयारी करें, और इसके साथ ही आज के सत्र को मैं ही समाप्त करना चाहूंगा। अगले सत्र में पुनः फिर कुछ नई बात लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा आप लोगों के साथ, और फिर से बातें करेंगे, अनुवाद पे चर्चा करेंगे, टाइपिंग पे चर्चा करेंगे, या फिर जो विषय आप देना चाहेंगे उस विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, क्यों, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके। ढेरों शुभकामनाएं।